नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों। भोपाल, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में लड़कों पर ज्यादती जोर जुल्म का आरोप लगाकर केस दर्ज कराने वाली 92 लड़कियों ने अपने बयान बदल दिए हैं। कुछ ने तो उन्हीं लड़कियों से शादी भी कर ली है। इस बारे में चिंतक और विचारक अशोक त्रिपाठी ने कहा है कि लड़कियों ने चाहे अपने परिजनों के दबाव में बयान बदला हो या अन्य कोई कारण हो, लेकिन कानून का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। गुनाहगारों ने अगर गुनाह किया है तो उन्हें सजा अवश्य मिलनी चाहिए, लेकिन किसी को झूठा नहीं फंसा चाहिए। चाहे दहेज उत्पीड़न के केस हों या एस्ट्रोसिटी एक्ट, कई बार ऐसे मामलों में लोगों को झूठे केस में फंसा दिया जाता है, जो दुर्भाग्यपूर्ण होता है। नमस्कार साथियों, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ संदेश नेमा। बहुत ही ज्वलंत एक विषय जिस पर हम चर्चा करेंगे। परिजनों के दबाव में, आपसी रंजिश के चलते या मुआवजे के लालच में लड़कियां बयान बदल देती हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार हमारे प्रदेश में, भोपाल में, 92 लड़कियों ने अपने बयान बदले हैं, जिन्होंने दुष्कर्म और ज्यादती का आरोप लड़कों पर लगाया। सबसे बड़ी बात तो यह है कि उनमें से कई ने उन्हीं लड़कों से शादी कर ली। अपने विचार साझा करेंगे श्री अशोक त्रिपाठी जी। सर नमस्कार, आप जाने जाते हैं विचारक और चिंतक के रूप में। क्या कानून का दुरुपयोग हो रहा है? कानून का दुरुपयोग कब तक? क्या लोग अपना जीवन गंवा देंगे तब तक? जी, क्योंकि ये आपका एक ही विषय नहीं है जी। SC ST एक्ट के भी इसी दुरुपयोग की बात सामने आती है। बिल्कुल आती है। निश्चित रूप से दलित शोषित पीड़ित समाज का संरक्षण होना चाहिए, लेकिन संरक्षण के नाम पर लोगों का जीवन बर्बाद नहीं करना चाहिए। कोई व्यक्तिगत राग द्वेष ईर्ष्या के बस ऐसे कानून जो सख्त बनाए गए हैं, कानून सख्त होना चाहिए, लेकिन उसके प्रावधान सब एक तरफा है। SC ST एक्ट का यदि दुरुपयोग किया तो जिसके खिलाफ लगाया वो जितनी बड़ी सजा उठाता है, जितनी अपमान और पीड़ा सहता है, वो गलत साबित होने पर क्या जिसने मिथ्या आरोप लगाए उस पे होना चाहिए फिर, क्या उसको भी उतना ही दंड मिलता है? बिल्कुल। एक ठीक है, बहुसंख्यक समाज में, हमारी संस्कृति में माता बहन देवी मानी जाती है, संरक्षण होना चाहिए, लेकिन ये आंकड़े क्या है? हम संरक्षण के नाम पर कहीं युवा पीढ़ी का भक्षण तो नहीं कर रहे? बिल्कुल। किसी भी होनहार युवा पर लगभग 200 में से 92 है सर ये आंकड़े, एक बहुत बड़ा आंकड़ा। तो 50% के लगभग यदि मिथ्या आरोप लग रहे हैं तो क्यों जीव लोगों के जीवन बर्बाद कर रहे हैं? इन कानून के प्रावधानों की धाराओं का विवेचना होनी चाहिए और नई संवैधानिक परिस्थितियों के साथ इनमें कानून बनाए जाने चाहिए। धन्यवाद। भोपाल से समय जगत के लिए संदेश नीमा की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।